नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब एक नजर आज की खबरों की तरफ। वर्ष 2020-21 में 15 अप्रैल 2020 से गेहूं खरीद किया जाना है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा केंद्र प्रभारियों को गेहूं खरीद के संबंध में निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि जो एग्रो पीसीएफ में पैसा रुका हुआ है वह 2 से 3 दिन के अंदर किसानों के खाते में चला जाएगा। तो वही जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना रोकथाम पर सावधानी बरतें और जो बाहर से हार्वेस्टर और हार्डवेयर ड्राइवर आए हुए हैं उनसे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और कटाई करते समय भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान दें। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। कृषक बंधुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके मन में एक आशंका थी कि फसल की कटाई मड़ाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके विषय में 8 दिन पहले ही मेरे द्वारा स्पष्ट किया जा चुका था और शासन के आदेश भी आ गए हैं कि किसी भी हार्वेस्टर कंबाइन मड़ाई कटाई पर कोई रोक नहीं, लेकिन कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मतलब भौतिक दूरी बनी रहे लोगों से, और एक दूरी बनाते हुए और आवश्यकतानुसार मास्क का भी प्रयोग करते हुए अपना समस्त कृषि कार्य कर सकते हैं। उनके फसल को कोई कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य न हो, किसान परेशान न हो, इसके लिए शासन ने क्रय केंद्र खोलने के आदेश दिए। गेहूं के लिए क्रय केंद्र 15 अप्रैल से 68 जगहों पर जनपद में संचालित होगा। वो वही क्रय केंद्र हैं जो विगत वर्ष भी क्रय केंद्र रहे हैं। किसानों को प्रोसेस मालूम है, धान के क्रय केंद्र के समय विक्रय के समय जो प्रोसेस अपनाना था उस प्रोसेस को अपनाते हुए अपना विक्रय करें। हमने सभी अपने क्रय केंद्र प्रभारियों से, संबंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से ये निर्देश दे दिया है बैठक करके कि ये गंभीरता से लें ताकि कोई किसान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर न हो, उसको वाजिब कीमत मिले, सही समय पर मिले। इसलिए किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना मड़ाई कटाई सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रिकॉशंस का, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते हुए करने के लिए स्वतंत्र हैं अपने कृषि कार्य। पर किसानों को बताना चाहता हूं कि धान की जो उन्होंने विक्रय किया था कुछ लोगों ने, उसकी राशि एग्रो से और पीसीएफ से कुछ पेमेंट बचा हुआ था, उसके बारे में भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अगले 3 दिन में आपके खाते में धनराशि चली जाए जिनका पैसा बकाया है। इसलिए उस आपकी चिंता मेरी चिंता है, उसके लिए जिलाधिकारी के रूप में मैं स्वयं उसका ध्यान रख रहा हूं। और जो गेहूं पर क्रय पर आपको कोई समस्या ना, उस पर भी मेरी निरंतर प्रतिदिन निगाह होगी। बट आप जरूर कोरोना रोकथाम के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा। जो हार्वेस्टर और कंबाइन के ड्राइवर्स और मजदूर मैकेनिक बाहर से आए हैं उनको अलग रहने की व्यवस्था रखिएगा, उनसे थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिएगा और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिएगा। और आपस में भी कटाई करते समय, मड़ाई करते समय अपने गेहूं की या किसी भी खाद्यान्न की ढुलाई के समय या मजदूर के रूप में काम करते समय या मजदूरों के साथ काम करते समय सावधानियों पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा निवेदन है।